लॉकडाउन में हुए घाटे को पाटने के लिए तेल विपणन कंपनियां जिनमें पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए तक बढ़ा सकती है। इसके अलावा कंपनियां अगले महीने से कीमतों में रोजाना बदलाव की व्यवस्था को दोबारा बहाल करने की भी तैयारी में है। उनका कहना है कि लॉकडाउन में कम बिक्री के साथ सरकारों ने भी टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे लागत और बिक्री में काफी अंतर आ गया है। पिछले 2 महीनों में तेल की बेहद कम बिक्री से कंपनियों को बड़ा घाटा हुआ है। एक सरकारी तेल कंपनी के अधिकारी ने कहा, पिछले महीनों के मुकाबले ब्रांड क्रूड की कीमत 50% से बढ़कर $30 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। यही स्थिति रही तो जून से पेट्रोल डीजल की मौजूदा कीमत पर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्रतिदिन 40 से 50 पैसे की बढ़ोतरी करनी होगी। कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल में लागत और बिक्री का अंतर पहले ही 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक पहुँच गया है। ऐसे में वैश्विक कीमतों को देखते हुए घाटे को पूरा करने के लिए लगातार 2 हफ्ते तक 40 से 50 पैसा प्रतिदिन दाम बढ़ाना होगा। ये बढ़ोतरी भी तब तक लागू रहेगी जब तक कंपनियां लागत और बिक्री के अंतर को खत्म करने में सक्षम नहीं हो जाती। दिल्ली में 5 मई को वैट बढ़ाए जाने के बाद पेट्रोल की कीमत 71.26 रुपए प्रति लीटर और डीजल 69.39 रुपए प्रति लीटर हो गई, जो 16 मई से पहले क्रमशः 69.59 रुपए और 62.28 रुपए थी। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।